जे मौला रू मौला ना मारे। पहले टोका टुकते हैं और उसके बाद फिर मैंने इसको टुक देना तेरे तो फोड़ा दे रहे तेरे किस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सदाका सियाल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो गेटअप है वो टोटली चेंज हो चुका है, थोड़ा सा फैंसी भी है एनक और बाकी जो है पंजाबी देसी जो है ड्रेस पहना हुआ है मैंने। तो कल की छुट्टी है, कल संडे है तो छुट्टी है, तो मैंने सोचा जी आज जो सारे काम है ना वो ख़त्म कर लेते हैं, तो कल थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे। तो पीछे मेरे साथ टीम भी बैठी है मेरी, तो ये भी मेरी काम करने में आज हेल्प कर रहे हैं। तो ये वसीम है, इसने ना आलस छोड़ा हुआ है बिल्कुल ही, मैं नहीं करूंगा। तो ये तो बहुत ही जब से यूनिवर्सिटी में आया ना तो इसने अखीर किस्म का आलस छोड़ा है ना। ये तो लोग देखते हैं ना कि कौन छोड़ता है, सबको पता है वाह वाह कर रहे होते हो। तो यार मैं जब स्कूल से आता हूँ ना तो मैं टोटली थका हुआ होता हूँ, 50 किलोमीटर का सफ़र करके आता हूँ। तो जो हमारा रोड है जो लिंक करता है मेरे स्कूल के साथ तो वो तो टोटली ख़त्म हुआ है। उसमें तो बस ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ रोड किस जगह है, बाकी सारे जो हैं वहाँ पे खड्डे बने हुए हैं। अभी जी लाइट बंद है और मैंने करना है जी टोका। लाइट बंद नहीं है, लाइट गई हुई है रास्ते में आ रही है। तो लाइट बंद है तो अभी मैंने करना है जी टोका, मतलब जो हमारा चारा है उसको काटना है। चारा तो काटा पड़ा है, उसको कहते हैं ना टोका करना, तो वो टोका करना है। तो हाथ हाथ पे उसका टोका करना पड़ेगा। तो चलो यार आओ मेरे साथ हेल्प करो। मैं नहीं करूँगा। उठो यार, अम्मा बोलो ना इसको, आ जाना अम्मा लड़सी मोड़। अम्मा जो है वो हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि अम्मा को पता है हमने एक दूसरे का कहना ना माना तो हमने लड़ाई शुरू कर देनी है वहाँ पे। तेरे से तो इसके वजह से मैंने आजकल ना टोटे टोटे करने का जो प्लान फिट किया हुआ है। तो चलें जी टोका टुकते हैं और उसके बाद आपको टोका टुक के पहले टोका टुकते हैं और उसके बाद फिर मैंने इसको टुक देना है। तो टोक मैं टोका टुकने वाली मशीन पे आ गए हैं। तो बिजली बंद है, उसका मोटर का मैंने बेल्ट उतार दिया। मैंने पहले भी बताया बिजली बंद नहीं, बिजली चली गई। बिजली बंद होती है यार, चली गई है। चली गई कहाँ? चली गई, चली गई लाइट, चली गई नहीं कहते, लाइट बंद हो गई है। लाइट बंद करना अपनी मर्जी से करना, अपनी मर्जी के बगैर चले जाना वो चली गई। अच्छा जी तो ये लाइट चली गई है ना, ये इसमें डालने नहीं है क्योंकि अब इसने बिजली से तो चलना नहीं, हाथ से ही चलेगी। मुंह ना टोक छ मुंह के साथ कैसे? तू पहले मुझे टुक के बता फिर मैं बता, वैसे मैं भी करूंगा। नहीं मेरा मुंह बड़ा तू सही टुके से। अब कपड़े मैंने ऐसे पहन लिए क्योंकि ना ऐसे कपड़े ही पहन के ना ये वाले काम किए जाते हैं, पैंट शर्ट में तो पहन के बंदा कर नहीं सकता। चलें जी हत्थी मैंने ये कस दी है, ये देखें ये थोड़ी सी ढीली है लेकिन चलें जी आज हमने टोका टुकना है तो आज ही टुकना है, फिर तो लाइट होती है अक्सर। आज बंद हुई है तो टोका टुक लेते हैं। मेरा जितनी तेज चला लेगा तू नहीं। कैरी हट जाओ सामने से, मेरी बात। गाय को भी भूख लगी थी तो उसके लिए अभी खाने के लिए टोका जो है वो टुक दिया। तो अब जो है वहाँ पे जो हमारी सरसों थी ना वो आप लोगों को जहाँ पे वो परिंदे भी नज़र आ रहे हैं तो वो काटी पड़ी है, तो उसको जाके देखना है जी कि उसकी क्या हालत है। चलें चलो जी चलें। शहरी किधर लटक के जा रहे हो?
शहरी ने आज भी एक टीटी रही थी। नहीं, नई टीटी किधर है? तोड़ भी दी है नई टीटी, कोई हाल नहीं। ये यहाँ पे परिंदे काफ़ी बैठे हैं जी, इनको बोलते हैं जी बगले। तो ये जब पानी वगैरह लगता है ना तो ये इसमें आके ना कीड़े मकोड़े ढूंढते हैं और उनको खा जाते हैं और अपनी खुराक बना लेते हैं। तो यहाँ आज फसलों को पानी लगा हुआ है। ये है वो सरसों जो आप लोग हमारी वीडियोस में देखते थे जिस पे फूल लगे हुए थे, और दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो ये आप लोगों को दिखाई थी कि ये यहाँ पे सही सलामत खड़ी थी। तो कल और आज दो दिन में इसकी कटाई हो गई है जी। तो इसकी अब बहुत जल्द गहाई भी होने वाली है। ये यहाँ पे पड़ी है, ये कुछ दिनों में खुश्क हो जाएंगी। सुबह तेल में नहा के जाएगा। तो जब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर इसके बीज निकालेंगे और बीज निकालने के बाद इसका जी ऑयल बनता है। अच्छा। तो ऑयल जब बन जाएगा तो फिर मैं नहाऊंगा, नहा के फिर ऑयल लगाऊंगा और फिर स्कूल चला जाऊंगा। यही मेरा लाइफ साइकिल है। फोसी मैन कम हियर। तो अभी जो है मैं गाय का जो है गोबर साफ करने लगा हूँ। गाय की फोसियाँ मिलने लगा हूँ। हाथ से कर। हाथ से नहीं है। फोसी मैन ये है जी। शहरी देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं जी छज, और ये होता है जी फोड़ा। हमारे इधर पंजाबी में कहते हैं फोड़ा में तेरे सेरे मार। शहरी को आसा। सही में जितू नहीं चमदी हो तू हाथ नाल चा ले। एवे हाथ से उठा लूं। जलील कर रहे हो मुझे मिलके। टोके दे मुंह। मैं इधर तो फोड़ा सिर जुगत मारो तुझे। चलो मुंह तेरा ही ना जे बर्फ तोड़न वाला सुबह होता। मुंह तेरा ही ना जे बर्फ का गोला लटके कर होता। मुंह तेरा ही ना जे मैं तो फोसी चांदा पी। शहरी तेरा मुंह किस तरह है? तेरा किस तरह है? तेरा मुंह किस तरह है? नहीं ये क्या है, ये शर्म आ रही है? उसे वो ना हंसी वाली बीमारी होगी। ये जी चारा जो है भूसे के साथ मिक्स कर दिया है जो हमने काटा था चारा। तो अब ये गाय को डालना है। ए सारा गिरा रहा नीचे। चल तू ही ना गाय के साथ ना थोड़ा सा नमक चाट ले, तेरी भूख भी खत्म है। अच्छा वैसे छोटे हो गए हम चाटते थे। तू ही चाटता था, मैं तो नहीं चाटता। तू ही चाटता था। हाँ शरी तूने चाटना है गाय का नमक चाटना है? नहीं। ये खेलने का स्टाइल है तुम्हारा? मेरी मर्जी। बच्चे जलील हो जाते हैं तुमसे। नीचे टांग सी दिखा, टांग सी दिखा। बच्चे ये बच्चों के साथ ऐसे खेलता है ना, बच्चे इसके साथ जलील हो जाते हैं। इसकी हरकतें चेक कर। तेरे ऊपर चलाता हूं। ये तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हरकतें अपनी मेरी मर्जी। भाई यूनिवर्सिटी को उन्होंने जाने कब दिया? कभी कभी करो ना आ जाता, फिर आ गया, फिर घर ही है। तो मेरा एक ना दोस्त है, वो चाइना में पीएचडी कर रहा है। तो पिछले काफ़ी दिनों से वो घर में आया हुआ है। तो उससे मैं एक दफ़ा मिलने गया तो वो कहता है यार घर रह रहे के ना बंदा जलीली हो गया, इज्जत ही ख़त्म हो गई है। पीएचडी कर रहा है तो ज़ाहिर है लोग उसको डॉक्टर ही कहेंगे ना। तो कहता है आप डॉक्टर की इज्जत ही नहीं रही यहाँ पे। अभी इज्जत का लाइसेंस नहीं मिला। स्टूडेंट बेचारे यहाँ ना खज्जल हो रहे हैं। शुक्र है मैं पढ़ लिख के जॉब लग गया। मैं देख रहा हूँ इज्जत ना। ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। मैं घर एक कमरे से भी निकाल देते दूसरे में। तो मेरा अपना जनाब घर बनेगा यहाँ पे। ये जगह है मेरे घर की इधर। ये दरख्त के ऊपर ये दरख्त के ऊपर मैंने जनाब घोंसला बना लेना है और इधर ही रह लेना। घर की ना मुझे जरूरत ही नहीं पड़नी। तो सड़ा ही तो सुता करता है।
जे मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा है सोनिया। ये मैंने कभी आज मैंने जट बना था थोड़ा सा, मैंने चले जट वाला थोड़ा सा शशका भी बना लेते हैं जी। डायलॉग वाले आ रहे थे सारे, तो ये फैंसी जट है ना भाई, दौर चेंज हो गया है वो। जट भी फैंसी हो गए हैं। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और वही पुरानी रूटीन पे आ गया हूँ, पैंट शर्ट, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पैंट शर्ट में ना जो काम मैंने अभी किए हैं वो नहीं हो सकते। तो अभी माशाल्लाह से चाय भी बन चुकी है, चाय के बगैर तो गुजारा नामुमकिन है जी। ये है जी सुंजामने के फूल, ये मैं बड़ी दूर से लेके आया था और बड़ी मुश्किल से मिले थे, तो मैंने सोचा कि इसकी भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगा। लेकिन ना ये जो इसके फूल हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा खिल गए हैं, कच्चे नहीं थे, और ऊपर से ना ये थोड़े से ना मतलब ये गंदे गंदे भी लग रहे हैं, तो ये अच्छे नहीं, इसलिए इसकी रेसिपी आज नहीं बना सका मैं। सुंजामने का मैंने सुना है कि इसकी कोई चीज़ भी जो है ना वो फजूल नहीं है, जड़ों से लेकर पत्तों तक, इसकी लकड़ियों तक जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो एक दिन इंशाल्लाह इसकी डिटेल के साथ मैं आपके लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ गाँव में जो है सुंजामने के पौधे जो हैं वो काफ़ी मिल जाते हैं, यहाँ आस पास हमारे काफ़ी मिल गए थे। इसकी बहुत बड़ी एक मार्केट बनने वाली है, तो अभी इस ये आजकल ये वाली फसल जो है आजकल ट्रेंडिंग पे जा रही है। इसकी जो फलियां होती है ना वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं और उनको भी सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वसीम को आज बहुत ही टेंशन है, इसको वीडियो बनाने के लिए आज कंटेंट नहीं मिल रहा था। इसकी शक्ल देखे ये कहता है जी मैं गिलगित जाने लगा, वहाँ पे व्लॉग बनाया करूंगा। दोस्त गए हुए थे, बर्फबारी हो रही है उधर, तो फिर बंदा घूम फिर बनाओगे। इस्लामाबाद रह के आ गया हूँ 4 साल, वहाँ पे मैं वो क्या कहते हैं नारायण का गान नहीं गया, ये हालात है। बर्फ के साथ व्लॉग बनाते रहोगे भाई, बर्फ देख रहे हैं, मैं अपने एंजॉयमेंट करूंगा, लोगों को भी दिखाऊंगा। बर्फ पे लेटियां मारे हुए इधर अच्छा आ जाएगा। हम कहते एक बार हम बात करते एक बार कहते मुश्कपुरी, मुक्शपुरी कहते हैं, मुश्कपुरी कहते हैं, वो मरी के आगे वहाँ गया ना, तो वहाँ पे बर्फ ना थोड़ी सी एक पैच पड़ा हुआ था ना, बर्फबारी हो चुकी थी गर्मियां, तो मतलब ना ये वाला सीजन था और थोड़ी सी बर्फ पड़ी थी। वहाँ पे लड़के गए, उन्होंने वहाँ पे लेटियां ले लेके फोटो बनाया, इतनी स्लाइड थी ना कि बंदा वहां से स्लैम्प हो तो पहाड़ से नीचे, लेकिन वो फोटो के चक्कर में वहां पे लेटियां लेते रहे, बर्फ ऐसे उठा के बैठते फोटो बनाने। बर्फ गिरती हुई देखी है तूने? नहीं, मैं नारायण की गाड़ी नहीं गया यार, मुझे अफसोस हो रहा है मैंने कहीं जाने। ये जो गाय का बच्चा है जी, ये आज खुद ही छूट गया है और इसने ना गाय का पूरा दूध पी लिया है, इसने हमारे हिस्से में अब कुछ नहीं बचा है, ये देखें जी। तो आज जनाब इसने मौजें की हैं अकेले ही, तो कुछ भी नहीं इसने बचाया, सारा दूध पी गई है ये अकेले ही। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरी फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।